रनिंग में फ्रंट टू बैक रमन सर चार पांच मिनट सबको देना फोकस ब्रीदिंग पे रखिए ब्रीद इन ब्रीद आउट धीरे धीरे थोड़ा फास्ट करते हुए जाएंगे अभी इन थेरावेंट्स को थोड़ा पास में रख लेंगे अपने सांस को ध्यान दे धीरे कोशिश करिए टोच पे चलने की ऑन टोच फ्रंट ऑन टोच बैक सांसों पे कंट्रोल रखिए और थोड़ा फास्ट करेंगे आर्म्स को चेक करते हैं इसको रख दूं आर्म्स आप Once again on his phone. Slowly, slowly jumping. Jump. Parallel step. Step in, step out. Step in, step out. With your arms. One, two, three. जिनको नीचे प्रॉब्लम है साइड से बाकी जंपिंग के साथ थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन देन फुल क्लैपिंग के साथ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन Ten, then relax. High knees. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15. Arms ko side sakte. Alternate arm ke sath toot de. One, two, three. फोर फाइव सिक्स क्रॉस कर दें सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी बैक ट्विस्टिंग वन टू थ्री फोर फाइव Six, seven, eight, nine, ten. Same then, full arms ka swing. Both arms ke saath. Breathing ka dhyan rakhiye. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Continue. ऑन स्पॉट सिंगल आर्म्स का अल्टरनेट आर्म्स के साथ पेंड डाउन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आर्म्स को वेस्ट पर रखिए डीप ब्रीदिंग
Breathe out. Breathe in. Breathe out. दोनों आर्म्स को साइड से रेज करते हैं. लेफ्ट एल्बो से राइट की नीज, राइट के एल्बो से लेफ्ट की नीज. ऐसे कंटिन्यू. 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू रखेंगे. फेस काम. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. बहुत बढ़िया. फिर से आर्म्स को वेस्ट पर रखिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. अब सेम दोनों एल्बो से सेम नीज, ये एक सिंक्रोनाइज पोजिशन में. 1, step up, 2, 3, सांस छोड़ते डाउन. 4, 5, 6, 7, 8 कंटिन्यू रखिए. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Then relax. Deep breathing. Breathe out. Breathe in. Breathe out. हल्का सा पार्टी फील. बहुत आम के सर्किल था. नीज डाउन. 1, 2. नीज के सामने. 3, 4. गानों से सटाते बातों को. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत बढ़िया. सेम देन रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अप आर फीट. फिर से आर्म्स को वेस्ट पे रखिए. डीप ब्रीदिंग. ब्रीद आउट. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. फर्स्टली लैटरल बैंड मूवमेंट. फुल जाएंगे जितना सकते हैं. कंटिन्यू करते. 1. सांसों का ध्यान रखेंगे. 2, 3. वेरी गुड. 4. फेस काम रखिए सभी. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. बहुत बढ़िया. फिर से वेस्ट पे रखिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. वंस अगेन. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. दोनों आर्म्स को सामने से उठाते हैं. सामने रखेंगे पाम फ्रंट. हाफ लॉन्जिंग राइट टू लेफ्ट. धीरे 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 राइट को. जो फुल लॉन्जिस कर सकते हैं फुल, बाकी हाफ. हाँ. 5, 6. सांसों का ध्यान रखिए. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अगेन वेस्ट पे रखिए. फिर से डीप ब्रीदिंग. ब्रीद आउट. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. नेक्स्ट वन आर्म्स को रिच करते साइड से. हिप्स बैक. अल्टरनेट आर्म के साथ टू टच. जब साइड से जाएं तो मिडिल फिंगर से देखते हुए आपकी तरफ देखना है, स्काई की तरफ. सेम देन कंटिन्यू. 1. सांसें होल्ड नहीं करेंगे, सांसें कंटिन्यूस. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. अगेन आर्म्स को वेस्ट पर रखिए. ज्वाइन करेंगे लेग्स को. शेक योर लेग. डीप ब्रीदिंग. ब्रीद आउट. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. ब्रीद इन. ब्रीद आउट. आर्म्स को साइड से शेक कीजिए अच्छे से. अप फ्रंट. धीरे से वाइब्रेट करते फुल बॉडी शेक करेंगे. अच्छे से वाइब्रेट कीजिए. दोनों आर्म्स को फ्रंट टोज पे ब्रीदिंग इन करते हुए. होल्ड सम टाइम. देन सांस छोड़ते हुए डाउन. आर्म्स को ज्वाइन कर लेंगे. वंस अगेन फिर से इनहेल करते हुए आप. होल्ड. सांस छोड़ते वापस. डीप ब्रीद इन.
खुल के सांस लीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, सामने देखते हो, ब्रीद आउट, जितना लंग्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। वंस अगेन, फिर से गहरी सांस लीजिए, होल्ड 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, देन धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, बहुत बढ़िया। वंस अगेन, फिर से डीप ब्रीद इन, होल्ड एटलीस्ट 7 सेकेंड, होल्ड रखिए, सामने देखिए, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली कम बैक। आर्म्स को वेस्ट पे रखिए, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, नेक मूवमेंट करेंगे, लेटरल मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट, जर्क नहीं देना है, आंखें खुली रखनी है, फेस काम, फोकस ब्रीदिंग पर, नेक्स्ट चेंज मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट, शोल्डर्स को देखते हुए, स्लोली स्लोली लेफ्ट, चेंज करते रहना है, सांसों की गति सभी धीरे धीरे नॉर्मल करते हुए जाइए। अब राइट तरफ रखिए नेक को, और धीरे से पीछे से सर्किल करते हुए हाफ, आईज ओपन रखते हुए, लेफ्ट शोल्डर को टच करिए, फिर लेफ्ट से हाफ, खाली बैक मूवमेंट करेंगे, फ्रंट मूवमेंट नहीं करेंगे, स्लोली 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 स्लोली, बहुत बढ़िया, धीरे से वापस आते हुए दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। देखिए आजकल वेरी कोच की वेंस की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है ना, उसके लिए सबसे अच्छा आसन ये ताड़ासन को ना थोड़ा सा वेरिएशन में स्ट्रेच करते हो आप, रखिए बॉडी को और टोच पर फ्रंट चलिए अपने सामने 10 to 15 meters, जितना चल सकते हैं, फिर वापस अपनी पोजिशन में जाएंगे, ऑन टोज, धीरे धीरे हाथों को स्ट्रेच रखिए, सामने देखिए बिल्कुल, फेस काम, कानों से टच रखिए हाथों को, टोच पर फ्रंट अगेन, ऑन टोज बैक, देन रिलैक्स, आर्म्स अप रखेंगे। अब सेम पोजिशन, हील्स पे आना है, हील्स पे आगे की तरफ चलना है, ऐसे धीरे 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 हील्स का यूज करते हैं, हील्स पे ही बैक जाना है, धीरे धीरे, वन सेकेंड देखिए, प्रेशर फील कीजिए हील के पास पॉइंट्स पर, ये सारे जितने बॉडी के पॉइंट्स होते हैं ना, सारी नर्व्स आपके यहीं से जाएगी, हाँ धीरे धीरे, फिर हील पे चलिए, देन स्लोली स्लोली वापस सेम पोजीशन में आते हो, टोच पे आएंगे, स्ट्रेच करते बॉडी को आप, होल्ड करेंगे ताड़ासन में 15 सेकेंड, फेस काम रखिए, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से हील्स को टच रखेंगे, आर्म्स को स्लोली स्लोली वापस लाएंगे, धीरे 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 धीरे, एंड रिलैक्स, शेक योर लेग, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, फिंगर्स को साइड, आर्म्स को साइड करते हुए, फिंगर्स को बंद करेंगे, खोलेंगे, शेक करते हुए लेग्स को फ्रंट, आप देखिए फिस्ट बनाने से ना हार्ट मजबूत बनता है, हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो तेज होता है, ब्लॉकेज खत्म होती है, सामने की तरफ रखिए, देन डाउन, फिर टोच पे आना है, स्ट्रेच करते हुए चेस्ट को, आर्म्स को पीछे की तरफ ले आना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को फुल, होल्ड रखेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, चलिए सभी मैट की स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे 3 times, हाँ बाकी जिनके पास नहीं है वो पट्टियाँ ले लेंगे यहाँ से, अपने पास रख लेंगे, चलिए मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाइए, सांस भरते हुए अप ले जाएंगे, आप धीरे से नमस्कार मुद्रा के लिए आइए, सांसों को लेते हुए धीरे धीरे अप जाइए, स्लोली स्लोली अप जाइए, सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन, स्लोली स्लोली डाउन, टो टच करेंगे, धीरे से आर्म्स को फ्लोर पर रखते हुए लेफ्ट लेग बैक ले जाइए, स्ट्रेच करते हुए लुक अप स्काई की तरफ देखिए, धीरे से राइट लेग को ले जाइए, टोस से और दोनों आईज से अपनी नीच को देखेंगे, नेक्स्ट मूवमेंट नीच को फ्लोर से टच रखिए, धीरे से चेस्ट को टच करेंगे, हिप्स अप रखिए सभी,
नीज टच करिए फ्लोर से, धीरे से पूरी बॉडी को फ्लोर, बैक से धीरे से आप उठिए भुजंगासन के लिए, स्लोली स्लोली, पूर्ण भुजंगासन भी कर सकते हैं, हाफ भी, फिर धीरे से वापस ऑन टोस पे आना है नीच को, आप जोन सा पैर पीछे लगे थे लेफ्ट लेफ्ट को फिर से आगे लाएंगे दोनों आर्म्स के बीच में, आपकी तरफ देखेंगे, सेम राइट लेग को लाएंगे, टो टच करेंगे, धीरे से सांस लेते हुए आप स्लोली स्लोली अप जाएंगे, होल्ड सम टाइम और धीरे से नमस्कार मुद्रा के लिए आ जाएंगे, फिर से सांस भरते हुए आप ले जाइए आर्म्स को, दोनों आर्म्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेच करते हुए, होल्ड सम टाइम, सांसों को छोड़ते हुए डाउन, मेरे काउंट के साथ चलिए, टो टच, सांस लेते हुए राइट लेग बैक ले जाइए, लेफ्ट को फ्रंट रखना है एंड लुक अप, धीरे से लेफ्ट लेग को भी ले जाइए, टोच पे आइए, नेक्स्ट नीज टच, चेस्ट टच, हिप अप, चिन को भी टच करना है, सामने देखना है, धीरे से पूरी बॉडी को टच करते हुए आर्म्स के द्वारा सामने की तरफ उठेंगे भुजंगासन के लिए, वापिस अगेन फिर से टोच पे जाएंगे, आइस से अपनी नीज को देखेंगे, राइट लेग को पीछे ले गए तो राइट लेग को ही फ्रंट लाएंगे दोनों आर्म्स के बीच में, लुक अप स्काई की तरफ देखिए, फेस काम रखिए, फिर लेफ्ट को भी ले जाइए, टोच टच करिए, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों आर्म्स को ज्वाइन करते हुए बैक जाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे और नमस्कार मुद्रा के लिए जाएंगे, फिर से सांस भरते हुए बैक थोड़ा सा तेज करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए डाउन स्लोली स्लोली, सांस भरते हुए लेफ्ट लेग बैक ले जाएंगे, स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ देखेंगे स्काई की तरफ, फिर सेम राइट लेग को भी ले जाइए, नेक्स्ट नीज टच, चेस्ट टच, चिन टच, हिप अप, फिर धीरे से बॉडी को टच करते हुए फ्लोर से भुजंगासन के लिए आइए, बहुत बढ़िया, वापिस अगेन टोच पे आइए, लेफ्ट लेग को फ्रंट लाइए दोनों आर्म्स के बीच में, सेम राइट टो टच, दोनों आर्म से स्ट्रेच करते हुए आप धीरे से नमस्कार मुद्रा के लिए आ जाइए, वापस फिर से दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करते हुए बैक, सांसों को छोड़ते हुए डाउन, टो टच, राइट लेग को स्ट्रेच करते हुए बैक ले जाइए, बोथ लेग, फिर धीरे से नीज टच, चेस्ट टच, चिन टच, हिप अप, भुजंगासन के लिए आइए आप, वापस टोच पे जाइए, धीरे से राइट लेग को फ्रंट लाइए दोनों आर्म्स के बीच में, लुक अप, सेम लेफ्ट लेग को लाइए, टो टच, दोनों आर्म से स्ट्रेच करते हुए बैक जाइए और नमस्कार मुद्रा के लिए आ जाइए, लास्ट थर्ड टाइम, फिर से दोनों आर्म्स को ज्वाइन करते हुए बैक जाइए, सांसों को छोड़ते हुए आगे फ्रंट टो टच करेंगे, सेम लेफ्ट लेग को बैक, राइट को फ्रंट, सेम राइट को भी पीछे ले जाएंगे, टोच पे आएंगे, सेम धीरे से नीच टच, चेस्ट टच, चिन टच, हिप अप, बॉडी को टच करते हुए भुजंगासन के लिए आइए, बहुत बढ़िया, फिर वापस टोच पे आएंगे, लेफ्ट लेग फ्रंट लाइए, सेम राइट टो टच करेंगे, धीरे से आर्म्स को आप नमस्कार मुद्रा के लिए आएंगे, वन सेकेंड लास्ट, फिर से आप स्ट्रेच करते हुए सांसों को छोड़ते हुए डाउन, राइट लेग बैक, सेम लेफ्ट, नीज टच, चेस्ट टच, हिप अप, बॉडी को टच करते हुए आप वापस टोच पे आइए, धीरे से राइट लेग को फ्रंट लाएंगे, सेम लेफ्ट, धीरे से आप जाएंगे और नमस्कार मुद्रा के लिए आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, धीरे से आर्म्स को साइड से स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स, अपार्ट फीट, रिलैक्स करने के लिए दोनों आर्म्स को ज्वाइन करते हुए फ्रंट रखेंगे और गहरी सांस लेते हुए आप ले जाएंगे आर्म्स को, लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से सांस छोड़ते हुए डाउन, मुंह से सांस छोड़िए सभी, फिर से वन सेकेंड डीप ब्रीथ, खुल के सांस लीजिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लास्ट टाइम, ब्रीद आउट, बहुत बढ़िया, जैसे मैट की स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाइए,
आर्म्स को अब धीरे से नीचे के पास जाएंगे, स्लोली स्लोली लेफ्ट लेग को फ्रंट देन राइट सेक योर लेग। आज का जो योगा प्राणायाम करेंगे, सर्वाइकल और शोल्डर फ्रोजन जिनकी समस्या होती है, शोल्डर स्टिफ, हाँ, और थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग भी करेंगे जिनके पास ई रेड पट्टी हो, बात करोगे, हाँ, बाकी जिनके पास हो ना वो दूसरों को दे देंगे जिनके पास नहीं है, जैसे आप दे दीजिए। सेक 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 योर लेग, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, नीज को ऐसे रब करते हुए सेक करना है, सेक कीजिए नीज को, हाँ, फिर धीरे राइट नीज को ऐसे फोल्ड देन लेफ्ट, धीरे धीरे ये अभ्यास करेंगे, स्लोली स्लोली हिप के पास लाना है धीरे से सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के साथ राइट लेग को फोल्ड करिए ऐसे, बैक को स्ट्रेट रखिए, लेफ्ट के एल्बो से राइट की नीज को प्रेशर करते पीछे की तरफ फोल्ड करिए बकासन के लिए, होल्ड 10 times 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्लोली वापस धीरे धीरे राइट लेग को स्ट्रेट कीजिए देन लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए राइट के एल्बो से लेफ्ट की नीज को प्रेस करते हुए बैक से ट्विस्ट कीजिए बॉडी को, होल्ड 10 seconds 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्लोली वापस वापस और धीरे से सुखासन के लिए आ जाइए, सुखासन के लिए आ जाइए, पाम अपवर्ड, फेस काम, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वंस अगेन डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये जितने भी एमपीएड और बीपीएड के स्टूडेंट हैं ये सभी ना उनको दे दीजिए जिनको नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं ज़्यादा, हाँ, जिनके पास नहीं है ना, जो बिगनर्स हैं उनको दे दीजिए। चलिए सभी अपने हाथ में पट्टियाँ ले लेंगे, हाँ, इसको अपनी शोल्डर ब्रीथ के बराबर रखना है, शोल्डर ब्रीथ, देखिए करना क्या है, इसको ढीला नहीं छोड़ना, टाइट टाइट रखिए सभी, हाथ बिल्कुल सीधे सामने रखिए। चलिए मेरे काउंट का सांस भरते हुए आप ले जाना है, टाइट करते हुए, ये ढीली नहीं होनी चाहिए, आप ले जाइए धीरे धीरे, आप सांसों के साथ पीछे की तरफ ले जाइए स्ट्रेच करते हुए, देन धीरे से डाउन लाएंगे फिर से फ्रंट, सांस छोड़ते हुए, बहुत बढ़िया, सामने फिर से सांस भरते हुए आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए, फेस काम, सांस छोड़ते हुए डाउन, बाकी सभी इमेजिनेशन के साथ करेंगे, बीपीएड वाले एमपीएड वाले कोशिश करिए आपके सामने है, धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए आप, बहुत बढ़िया, शोल्डर से स्ट्रेच फील करना है, सांस छोड़ते हुए डाउन, आप फ्रंट फ्रंट शोल्डर लेवल तक लाइए, ज़्यादा डाउन नहीं ले जाना, अप टू शोल्डर लेवल, फिर से आप फ्रंट, इसको टाइट रखिए, ढीला मत होने दीजिए, हाथ सीधे रखिए सभी, आप फ्रंट, वंस अगेन आप धीरे से फ्रंट के लिए लाएंगे, देखिए प्रेशर फील कीजिए शोल्डर्स पर, स्ट्रेच करते हुए आप ले जाएंगे, सांसों को नॉर्मल होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, सामने की तरफ बिल्कुल स्ट्रेच रखिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 धीरे से सामने लाएंगे, स्लोली 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 देन रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वंस अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फिर से शोल्डर ब्रीथ के बराबर सामने रखेंगे बिल्कुल, और फोल्ड करना है सांस लेते हो ऐसे, शोल्डर्स आपके जो एल्बो है वो बिल्कुल शोल्डर लेवल, डाउन नहीं जाएगी अप नहीं जाएगी, हाँ स्ट्रेच कर, ये टाइट ढीला नहीं होगा बिल्कुल टाइट, फिर सामने की तरफ जाइए सांस छोड़ते हुए, इसको टाइट रखना है बिल्कुल, फिर फोल्ड करते हुए सांस छोड़ते हुए फ्रंट, सांस लेते हुए इनसाइड, देखिए एल्बो ऐसे जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, ये सांस छोड़ते फ्रंट,
वन सेकेंड, फिर से देखिए प्रेशर फील कीजिए, फिर सामने, फिर फोल्ड करते हुए सामने, सांस लेते हुए फिर से, सांस छोड़ते फ्रंट, प्रेशर फील कीजिए अपने शोल्डर्स पर, स्कैपुलर रीजन पर, फ्रंट, फोल्ड करते हुए होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फ्रंट एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। समझ रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? हाँ, 10 किलो के वेट के बराबर होती है अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा दें। फिर से गहरी सांस लीजिए, फिर से लंबी गहरी सांस, नेक्स्ट अप ले जाएंगे इसको, सेम वही, थोड़ा सा शोल्डर ब्रेथ के बराबर गैप रखेंगे, बिल्कुल टाइट फोल्ड करना है अप टू शोल्डर लेवल, ऐसे यहाँ इसको टाइट रखना है, देन आप फोल्ड करते फिर से आप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। चलिए डाउन के साथ होल्ड करेंगे, शोल्डर्स देखिए मेरे, ज़्यादा डाउन नहीं लाना, शोल्डर लेवल तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली वापस एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हल्का सा वाइब्रेट कर दीजिए, हम उसको छोड़ते हैं, वाइब्रेट कीजिए शोल्डर्स को धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में, रिवर्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। नेक्स्ट किडनी और डायबिटीज के लिए इसी पट्टी के साथ, फिर से शोल्डर ब्रिज का बराबर गैप टाइट, बस ढीला नहीं छोड़ना, मूव करना है राइट साइड, स्लोली स्लोली मूव करिए, पैर आगे की तरफ रहेंगे जितना पीछे जा सकते हैं, फिर धीरे से फ्रंट आएंगे स्लोली स्लोली सामने की तरफ, हाथ सीधे मूव करेंगे लेफ्ट साइड, जर्क नहीं देना है, फिर धीरे से फ्रंट स्लोली स्लोली मूव इट राइट, बहुत बढ़िया, फ्रंट मूव इट लेफ्ट, फ्रंट चेंज करते रहिए राइट, धीरे धीरे फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट की तरफ होल्ड करेंगे सभी, जाइए राइट साइड, फेस काम, होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्लोली फ्रंट, बहुत बढ़िया, मूव इट लेफ्ट स्लोली स्लोली, होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, slowly front and down. Relax, deep breathing, breathe out, breathe in, breathe out. अब बस लास्ट मोमेंट, थोड़ा सा गैप ज़्यादा कर देंगे, इतना बस लास्ट तक पकड़ ली पट्टी को, सीधा आप ले जाना है, ज़्यादा भी नहीं करना, बस 1 फीट से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए शोल्डर ब्रिथ का ट्वाइस, धीरे से लेफ्ट आर्म्स को नीचे की तरफ ले जाना है, लेफ्ट को फोल्ड करते हो अप वाले को, ज़्यादा गैप हो जाए तो कम कर लेंगे, ऊपर वाला फोल्ड होगा नीचे वाला स्ट्रेट, फिर धीरे से आप लाएंगे सामने की तरफ, धीरे से चेंज करेंगे, ऊपर वाला आर्म्स फोल्ड करते हुए नीचे वाले से स्ट्रेच करेंगे अप वाले आर्म्स को, कम करिए, कम करिए गैप, गैप कम करिए, धीरे से वापस अपने शोल्डर्स की स्ट्रेंथ के बराबर चेंज करते रहिए, नेक एक पोजीशन पे स्थिर रहेगी, चेंज करते रहेंगे, बहुत बढ़िया, ढीला नहीं होने देंगे पट्टी को, टाइट चेंज करते रहिए, जिनको सर्वाइकल या शोल्डर्स की स्ट्रेंथ कम होते हैं ना, कमजोर, उनको मजबूती देने के लिए करते रहिए, कंटिन्यू,
बहुत बढ़िया। लास्ट थ्री टाइम। चलिए सभी राइट साइड होल्ड करेंगे, लेफ्ट शोल्डर्स को फोल्ड करते हुए सामने की तरफ बैक स्ट्रेट रखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चेंज करते हुए उधर साइड होल्ड करेंगे राइट से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली वापस धीरे 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 धीरे। बहुत बढ़िया, इसको सामने रख देंगे। पाम अपवर्ड एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और धीरे से दोनों पैरों को खोलते हुए इसको पास में रखेंगे पट्टी को अपने। राइट साइड टर्न लीजिए धीरे से और शवासन के लिए आ जाइए। धीरे से शवासन के लिए आ जाइए सभी। नेक्स्ट 30 सेकेंड रिलैक्स करेंगे शवासन में। हील इन साइन टॉप तक, शवासन मतलब कमर के बल आएंगे सभी। रिलैक्स करेंगे नेक्स्ट 30 सेकेंड। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डायबिटीज और नेवल के लिए, नाभि को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आसन करेंगे। पादांगुष्ठा नासाद प्रसाधन, दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे। आर्म्स को हिप के पास, सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे हिप्स के पास। थोड़ा सा पैर को उठाइए, फोल्ड करते पैर को राइट साली। आर्म्स को दोनों फिंगर से टोज को स्ट्रेच करते हैं, सांस छोड़ते हुए अपनी नोज को टच करेंगे अपने राइट की थंब से। राइट की थंब से टच करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैर सीधा रखिए, टोज पॉइंटेड, होल्ड करेंगे एटलीस्ट 20 सेकेंड। फेस काम, 19, 18, 17, 16, थोड़ा ऊपर से लो, 14, 13, यहाँ से खींचो, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली सबसे पहले नेक डाउन, नेक डाउन, धीरे से पैरों को फ्लोर से टच करेंगे और धीरे धीरे सीधा ले जाएंगे स्ट्रेट करते हुए। धीरे 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 एंड रिलैक्स करेंगे सबसे पहले। लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर से दोनों पैरों को जॉइन, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, आप उठाएंगे, धीरे से ट्विस्ट करते हुए अपने नोज को टच करेंगे थंब से। फेस काम रखेंगे, दूसरा पैर सीधा, टोज पॉइंटेड, होल्ड अगेन 20 सेकेंड, 18, 17, 16, यहाँ से 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले बैक को रखेंगे फ्लोर से, धीरे 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 पैर को फ्लोर पे रखेंगे और धीरे से सीधा करते हुए ले जाएंगे। स्लोली स्लोली रिलैक्स करेंगे 10 सेकेंड। फेस काम रखिए, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए सेम अभ्यास, दोनों पैर से पहले राइट लेग को फोल्ड करेंगे, देन लेफ्ट, दोनों पैरों को उठाइए, टोज से टोज, हील से हील मिलाइए, दोनों आर्म से टोज को इंटरलॉक करते हुए, धीरे से सांसों को छोड़ते हुए नेक अपनी नोज को टच करेंगे अपने थंब से। कोशिश करिए जितना कर सकते हैं, फोर्स नहीं करना ज़्यादा, जर्क नहीं देना। महसूस कीजिए नेवल पॉइंट पर प्रेशर, एटलीस्ट 20 सेकेंड। फेस काम, थोड़ा सा ऊपर उठा दी, यहाँ से थोड़ा ऊपर उठा, अब खींचो यहाँ। 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली स्लोली वापस आएंगे धीरे धीरे, नेक को टच करेंगे फ्लोर से, धीरे 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 पैरों को फ्लोर से टच रखिए, देन राइट लेग को ले जाइए, धीरे से लेफ्ट, रिलैक्स नेक्स्ट 30 सेकेंड। ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल।
सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर रखिए. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. फिर से गहरी सांस लीजिए. फिर से पेट के लिए एक अच्छा आसन, नौकासना. सभी दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, आर्म्स को हिप्स के पास लाएंगे. धीरे से आर्म्स को फोल्ड करते हुए सारा वेट धीरे से अपर पार्ट को, पैर टच रखेंगे फ्लोर से, सारा वेट अपनी एल्बो पे लाएंगे. एल्बो पे आइए, धीरे से अपर पार्ट को उठाते हुए पैर फ्लोर से टच रखेंगे. भी बैलेंस बनाइए बॉडी का. अब धीरे से दोनों पैरों को उठाना है अपने आईज लेवल तक, आपके थंब और आईज एक लाइन में रहें. चलिए रेज करिए, बहुत बढ़िया. होल्ड करेंगे एटलीस्ट 20. फेस काम रखिए, सांसों की गति नॉर्मल. बहुत बढ़िया. दोनों पैरों को, दोनों पैरों को सिंगल लेंगे, दोनों पैर से. लास्ट 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सबसे पहले पैरों को फ्लोर से टच, धीरे 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 हाथों को सीधा करते हैं, बैक को धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं. स्लोली 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 रिलैक्स. ढीला छोड़ दीजिए. नेक्स्ट 15 सेकेंड. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. नेक्स्ट आसन उत्तान पदासन करेंगे. दोनों पैर जॉइन, धीरे से दोनों आर्म्स को बैक के सपोर्ट पे लाइए, अच्छे से लाइए बैक के सपोर्ट पर. पैरों को सीधे रखना है, टोज पॉइंटेड रखेंगे. चलिए सभी धीरे से रेज करेंगे 10 डिग्री पर दोनों पैरों को एक साथ. 10 डिग्री पर रखिए, स्लोली स्लोली 20, 30 मेरे काउंट के साथ, 40 नेक फ्लोर से टच रखेंगे, 50, 60, 70, 80, एट 90 पर होल्ड करेंगे 10 सेकेंड. टॉर्च पॉइंटिंग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्री से राइट की तरफ ट्विस्ट करेंगे, राइट की तरफ ले जाइए ले जाइए ले जाइए. नेक सामने ही रखेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस 90 डिग्री पर लाइए, धीरे 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 धीरे. बहुत बढ़िया. अभी भी रोकना है, रोकना है 90 डिग्री पर. ऐसे धीरे धीरे लेफ्ट साइड स्ट्रेंथ बढ़ाइए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वापस 90 डिग्री पर धीरे धीरे होल्ड. 3, 2, 1. धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग, धीरे धीरे. 10, 9, धीरे धीरे नीचे लाएंगे. 6, 3, 2, 1. बहुत बढ़िया. रिलैक्स 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 कीजिए, रिलैक्स कीजिए. डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों पैर जॉइन, आर्म्स को शोल्डर्स के पैरेलल, पाम फ्लोर से टच करेंगे. राइट लेग को धीरे से रेज करते हुए 90 डिग्री पे ले जाइए. नेक को राइट साइड रखेंगे, लेग को राइट को लेफ्ट की साइड स्ट्रेच करते हुए ले जाइए. दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे, होल्ड करेंगे एटलीस्ट 10 8, नेक अपोजिट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली स्लोली वापस, धीरे 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 स्लोली डाउन, धीरे धीरे. लंबी गहरी सांस लेंगे, सेम लेफ्ट लेग को रेज करते हुए 90 डिग्री पे ले जाएंगे. नेक को लेफ्ट साइड रखते हुए धीरे से राइट साइड बॉडी को, सॉरी पैर को होल्ड करेंगे एटलीस्ट 10 सेकेंड. फिर से
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्लोली स्लोली धीरे धीरे वापस 90 डिग्री पे धीरे धीरे आएंगे एंड रिलैक्स. ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. चलिए दोनों पैरों को ज्वाइन, लेफ्ट साइड टर्न लीजिए और धीरे से प्रोन पोजिशन में आ जाइए निर्लंबासन के लिए. पेट के बाद सारा वेट अपने आर्म्स पे रखेंगे, रिलैक्स करेंगे एटलीस्ट 15 सेकेंड. डीप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. रिलैक्स बिल्कुल, फेस काम. चलिए फिर से करना क्या है, योगा स्क्वैट्स करेंगे, सॉरी योगा प्लैंक. दोनों फिंगर्स को ज्वाइन करना है, पहले वेरिएशन करना है, प्लैंक में आना है और हिप डिप साइड टू साइड ये 20 टाइम. उसके बाद 20 सेकंड होल्ड करेंगे प्लैंक पोजीशन में. रेडी हैं सभी? चलिए रेडी स्टार्ट. 1, 2, 3 प्लैंक के लिए आइए, हिप डिप राइट टू लेफ्ट मूव करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. चलिए सभी प्लैंक के लिए होल्ड, प्लैंक के लिए होल्ड होल्ड होल्ड. हिप को ज़्यादा डाउन नहीं करना. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly, slowly वापस. बहुत बढ़िया. Relax, relax, relax. मकरासन में जाइए. Deep breathing. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. चलिए जो हमारा योगा प्लैंक का चैलेंज चल रहा है, 1 मिनट 10 सेकंड था ना, आज 1 मिनट 15 सेकंड करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको. धीरे से बढ़ाते हैं ना, 3 मिनट तक ले जाना है हमें आज, 1 मिनट 15 सेकंड का. पहले रिलैक्स कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए. चलिए रेडी रेडी, आवाज़ नहीं आई अभी, सभी ही रेडी हैं? चलिए बहुत बढ़िया. रेडी 1, 2, 3 स्टार्ट. 1, 2, 3 सभी को पूरे जोश के साथ करना है. 4, 5, 6, 7 हिप ज़्यादा डाउन नहीं लाने, थोड़ा सा आप करेंगे सभी. शोल्डर लेवल से अपनी पहुँचाना, शोल्डर लेवल के बराबर या हल्का सा नीचे. 15, 16, 17, 18, 19 20, 1, 2 सेकेंड फेज 3, 4, 5, 6 बहुत बढ़िया. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 थर्ड फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लास्ट 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 बहुत बढ़िया. ढीला ढीला छोड़ दिए, ढीला छोड़ दिए, ढीला छोड़ दिए. रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए. नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए एकदम काम और महसूस कीजिए अपनी हृदय को, हृदय की गति को फील कीजिए.
फील कीजिए अपनी हार्ट बीट को, एक एक पार्ट एक एक सेल्स को फील कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नीला छोड़, काम, बस लास्ट एक स्ट्रेचिंग करेंगे। अब पार्ट ऑफ फीट जितना गैप ले सकते हैं पैरों में, गैप लीजिए मैक्सिमम। दोनों आर्म्स को फोल्ड करते हुए पेट के पास लाएंगे और धीरे से स्ट्रेच करते हुए अब जाएंगे स्लोली स्लोली। हाथों को पूरा खोलना है, धीरे धीरे आप ले जाइए आर्म्स को, लुक अप, धीरे से नेक को स्लोली स्लोली राइट साइड मूव करेंगे। पैरों को देखने की कोशिश कीजिए अपने, 5 4 3 2 1, धीरे धीरे सामने देखते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे नेक को, होल्ड अगेन, 5 4 3 2 1, धीरे धीरे सामने एंड लुक अप, अप की तरफ देखेंगे, होल्ड अगेन, 5 4 3 2 1, और धीरे से नीच को फोल्ड करते हैं, नीच को फोल्ड करते हैं, हिप्स को अपनी एड़ियों से टच करेंगे, आर्म्स को एक पोजीशन में होल्ड करते हुए स्ट्रेच करेंगे बॉडी को, चिन टच फ्लोर से शशांक आसन में, होल्ड एटलीस्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और धीरे धीरे टिप से वापस आएंगे, एडी को टच रखेंगे अपने हिप से, धीरे धीरे टिप टिप वापस आएंगे, एकदम जर्क नहीं देना, आर्म्स को आप ले जाना है, स्ट्रेच करते हुए धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे, लेफ्ट लेग को धीरे से खोलते हुए देन राइट, लॉन्ग सिटिंग पोजिशन के लिए आइए, शेक योर लेग, डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, फिर से गहरी सांस, फिर से लंबी गहरी सांस, ब्रीद आउट। चलिए दंडासन के लिए आएंगे, दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए आर्म्स को बिल्कुल हिप्स के पास, आर्म्स स्ट्रेट, बॉडी को पुश करेंगे आप, टॉस पॉइंटेड, होल्ड करेंगे एटलीस्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन रिलैक्स। सुखासन में आ जाइए, जो अर्ध पद्मासन लगा देते हैं अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन लगते पद्मासन, किसी भी कंफर्टेबल पोजिशन में आ जाइए, पाम को अपवर्ड, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। सभी लेफ्ट आर्म्स कैसे रखिए सामने की तरफ, इसकी मिडिल फिंगर के दो फिंगर्स को ना इंडेक्स और कन्या उंगली को छोड़ते हुए स्टार्टिंग की फिंगर्स की टिप से थंब की ऐसे करेंगे और पाम को अपर रखते हुए लेफ्ट के नीचे पर रख दीजिए, राइट को लाइए, अब स्टार्टिंग की टू फिंगर्स को क्लोज कीजिए और राइट की थंब से राइट नोस्टिल को बंद कीजिए, राइट की थंब से लेफ्ट से सांस लीजिए मेरे काउंट के साथ, 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, रिंग फिंगर से लेफ्ट की नोस्टिल बंद करिए और राइट से सांस छोड़िए 5 सेकेंड में, 1 2 3 4 5, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे काउंट के साथ, 1 2 3 4 5, राइट नोस्टिल से सांस छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, फिर से सांस लेंगे, 1 2 3 4 5, नोस्टिल चेंज करते रहेंगे, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, सांस लेंगे, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3
फोर फाइव, फिर से सांस लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, अब सांस लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस भरेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस भरेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस भरेंगे, टू थ्री फोर फाइव, सांस होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस भरेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, सांस छोड़ेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, लास्ट टू ब्रीदिंग, सांस लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, होल्ड करेंगे 7 सेकेंड, वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन, एक्सहेल अगेन 7 सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सांस भरेंगे 5 सेकेंड में, वन टू थ्री फोर फाइव, होल्ड 7 सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे 7 सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देन लास्ट फिर से सांस भरेंगे 7 सेकेंड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, होल्ड 7, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक्सहेल करेंगे एटलीस्ट 10 सेकेंड, वन टू धीरे धीरे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, देन रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन, चलिए फिर से थोड़ा सा क्लैपिंग का अभ्यास करेंगे, तरोताजा करेंगे बॉडी को फिर से, चलिए मेरे साथ क्लैप के साथ, वन टू, थोड़ा एनर्जी के साथ, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक बार थाइज एक बार अप, वन टू, अच्छे से करिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फ्रंट टू बैक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, पाम के बैक, हाँ, वन टू थ्री फोर फाइव, चेंज करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, राइट आर्म से अपने शोल्डर्स को, वन टू थ्री फोर फाइव, चेंज करते हैं लेफ्ट शोल्डर को, वन टू थ्री फोर फाइव, देर से अपने नीच के साथ, और बोलना है ऑल इज वेल ऑल इज वेल, नीच को होइए, ऑल इज वेल 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 ऑल इज वेल, थाइज के इनसाइड एंड आउटसाइड, ऑल इज वेल 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 ऑल इज वेल, अपने एब्स को, एब्डोमेंस को, पेट को, ऑल इज वेल 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 ऑल इज वेल, हार्ट ऑल इज वेल 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 ऑल इज वेल,
धीरे से अपने सिर पर, बहुत लाइट, हल्का 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 हल्का. ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल. धीरे से फिंगर्स टिप से अपने फेस को चार्ज कीजिए, पूरे फेस को, फोरहेड, नोज और आईज को छोड़ते हुए पूरे फेस को. नेक्स्ट टाइम और धीरे से चिन को अप करते हैं, स्लोली स्लोली डाउन, धीरे 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 एंड रिलैक्स. पाम को सामने रखेंगे, मिडिल फिंगर से दोनों आईज को क्लोज करते हैं, 5 times भ्रामरी प्राणायाम. उसके बाद सभी योग निद्रा के लिए जाएंगे. चलिए रेडी स्टार्ट. धीरे से हाथ हटाएंगे, स्लोली स्लोली. और धीरे से सभी राइट साइड टर्न लीजिए, लेफ्ट साइड. शवासन में जाएंगे सभी, धूप नहीं है आज. शवासन में जाएंगे सभी, आंखें बंद रखेंगे. नेक्स्ट 3 minutes टो आउट, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, एकदम एकदम लूज, कोई मूवमेंट शरीर के अंदर नहीं, बिल्कुल काम, एकदम काम. और सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए. धीरे धीरे सांस ले रहे हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सांसों की गति बिल्कुल नॉर्मल. जितना स्ट्रेस आपके शरीर के अंदर है, इतना पेन, सब सांसों के साथ बाहर कीजिए. और एक नई ऊर्जा मेरे धीरे धीरे सांसों के साथ अंदर आ रही है, उसको फील कीजिए. महसूस कीजिए सर से लेकर पैर के फिंगर्स तक, एक एक पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स हो गया बॉडी का. फील कीजिए कितना हल्का हो गया मेरी बॉडी. महसूस कीजिए हल्कापन, महसूस कीजिए शरीर के अंदर, एक एक पार्ट्स, एक एक सेल्स, एक एक ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स हैं. फेस काम, एक हल्की सी स्माइल फेस पे रखिए. आईज रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, थॉटलेस कीजिए माइंड को, ब्रेन बिल्कुल थॉटलेस कीजिए. एक मिनट के लिए अपने आप को कनेक्ट कीजिए ऑलमाइटी से.
कनेक्ट करने को उसकी जो ऑलमाइटी गॉड से। आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे सबसे पहले अपने पैरों की फिंगर्स को मूवमेंट करेंगे, पैरों की फिंगर्स, धीरे धीरे आर्म्स की फिंगर्स का मूवमेंट करेंगे, नीज, एल्बो, धीरे धीरे जैसे मूवमेंट बढ़ते जाएं, आर्म्स को अपनाएंगे, अच्छे से रब करेंगे, आंखें बंद रखिए, रब करिए अच्छे से, और जैसे हाथ इलियाँ गर्म हो जाएँ आँखों पर रखेंगे, फेस से टच नहीं करेंगे, आँखों पर रखेंगे, फिर से एक बार रब करेंगे अच्छे से, अच्छे से रब करिए, आइस पे रखिए आँखों के ऊपर, थोड़ी देर गर्माहट महसूस कीजिए आँखों पर, फिर से लास्ट टाइम, चलिए अच्छे से रब करिए, थोड़ा फास्ट, अच्छे से रब करिए, और जैसे ही गर्म हो जाए तुरंत आइस पे रखिए और गर्माहट महसूस कीजिए अपनी आइस पे। होल्ड 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से फेस पे लाइए, अभी आँखें बंद रखेंगे, एंड देन स्लोली स्लोली धीरे धीरे हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे, धीरे धीरे 10 to 15 seconds में, धीरे धीरे धीरे, और आंखें खोलने के बाद धीरे धीरे राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न लीजिए और धीरे से उठ जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, स्लोली स्लोली, सेम लास्ट जैसे ख़त्म करते हैं, अंगड़ाई लेते उठने के बाद राइट साइड मूव, सेम लेफ्ट साइड मूव, स्ट्रेच करते हुए अच्छे से पूरी बॉडी को, राइट साइड ट्विस्टिंग, लेफ्ट साइड, बैक ब्रेक तो स्ट्रेच करेंगे आप, शेक करेंगे बॉडी को, टुडे सेशन को एंड करेंगे, थैंक यू।